श्याम बाबा के दर्शन करने आए, अब शायद हनुमानगढ़ी जाना हो अयोध्या में, क्योंकि फेमस है बहुत ज़्यादा। और हम टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं टीचर बनने की, बट भर्तियां आ नहीं रही हैं। गवर्नमेंट से हमारी, मतलब सरकार से यही है गुजारिश कि हाँ, इस साल हमें शिक्षक भर्ती दीजिए, ताकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कई साल से तैयारियां कर रहे हैं बट अब निराश हो रहे हैं। उसमें मैं भी एक हूँ कि हम भी कई साल से प्रिपरेशन में लगे हुए हैं लेकिन कोई भर्ती नहीं आ रही है। तो बस 2023 में आई विश भर्तियाँ आए। साल को लेकर तो हम ही चाहते हैं कि, मतलब मेरा मेन एम है कि मैं तैयारी कर रही हूँ जॉब की, मैं ज़्यादा फोकस सिर्फ कर रही हूँ कि तैयारी कर, अच्छे से तैयारी कर पाऊँ। बाबा जान से भी यही मतलब दुआ कर रही हूँ कि जितने भी लोग हैं तैयारी कर रहे हैं उनका सब लोग सक्सेस हो जाए। अभी तो हम अयोध्या में ज़्यादा दिन नहीं हुआ हमको शिफ्ट किए, पर मतलब यहाँ पे आने के बाद अच्छा लगता है, थोड़ा मतलब लगता है कि हाँ, ये राम नगरी है। यहाँ का सब कुछ देख के ऐसा लगता है कि हाँ, पहले यहाँ पे मतलब कुछ ऐसा था कि जिससे इसका नाम हुआ है अच्छा। और जैसे कि हमने अपना मतलब क्या कहते हैं न्यू ईयर सेलिब्रेट किया है यहाँ पे, आज हनुमानगढ़ी घूमने आए, फर्स्ट टाइम आए यहाँ पे, पर हमको बहुत अच्छा लग रहा है आज। और कहाँ कहाँ के दर्शन किए आपने? अभी तो अयोध्या एक दो बार गए हैं, ज़्यादा नहीं, और अब यहाँ पे आए हैं। नए साल पे सभी लोग नए नए रेजोल्यूशन बनाते हैं, आपका क्या है? मेरा रेगुलेशन ऐसा है कि मतलब इस साल ऐसा कुछ करना है कि हाँ, कहीं अपना मतलब जॉब वगैरह करने लगो और लाइफ सेट कर लो। हनुमान भगवान के दर्शन करने आए हैं और आगे की परिक्रमा मेरा है कि मेरा बोर्ड परीक्षा होने वाला है, तो बोर्ड परीक्षा में मेरा थोड़ा अच्छा रैंक आ जाए। बस ऐसे ही न्यू ईयर था तो हमने सोचा चलो आज मंदिर चलते हैं यार, थोड़ा सा मतलब कि जैसे न्यू ईयर है तो थोड़ा सा भगवान से शुरू हो तो ज़्यादा अच्छा लगता है। आप अयोध्या में रहे मतलब हैं इस वक्त, तो राम मंदिर निर्माण कार्य तेज़ी से चल रहा है, कितना उत्साहित हैं कि राम मंदिर के दर्शन करने के लिए? जितना जल्दी हो जाए उतना ही अच्छा है। भगवान से मानना यही कि बस अच्छे से हमें आगे बढ़ने की बुद्धि दें और कैसे मतलब पढ़ाई में आगे बढ़ने की शक्ति दें, पढ़ने के लिए सब। जैसे कि नया साल होता है तो उस साल की नई शुरुआत होती है जी, तो हम आप जानते हैं अयोध्या भगवान श्री राम जी की नगरी है, तो हम यहाँ पे मंदिर में आके बजरंग बली से और भगवान जी का दर्शन किए। आपने मास्क लगाया हुआ है तो इसका मतलब है कि आप अवेयर रहती हैं कि हाँ, आगे जो खतरा है कोरोना को लेके, तो उसको लेके सेफ्टी ज़रूरी है, हेल्थ। तो क्या आपने क्या नए साल के लिए प्रण लिया, जैसे अधिकतर लोग रेजोल्यूशन लेते हैं? जैसे कि शुरुआत होती है तो हम यही सीखते हैं कि हम जो साल गया उसमें हमसे जो गलतियाँ हुई हैं या फिर जो कमियाँ हैं उसको हम पीछे छोड़ के साल में नई शुरुआत करें, आगे बढ़ें। और हमने भगवान जी से ऐसी खूबस मांगी कि हमारा जो एम है हम उसको पा सकें और सब हमसे खुश रहें। ऐतिहासिक वर्ष रहेगा, माननीय PM मोदी जी और योगी जी, CM योगी जी जैसा हम लोग चाह रहे थे उससे अधिक अच्छी अयोध्या बना रहे हैं। मैं राम भक्त हूँ, कट्टर हिंदू हूँ, और इस साल मैं ये चाहूँगा कि हमारे इनका जो है अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट भी चालू हो जाए और राम मंदिर पे लोग दर्शनार्थी आएं, बाहर से उनका स्वागत है। ये श्री राम जी की जन्मभूमि है तो हम यहाँ पे अपना पहला दिन इस तरीके से मना रहे हैं, हम भगवान के दर्शन कर रहे हैं, अपनी खुशियों की कामना कर रहे हैं उनसे, और हम यहाँ चाहते हैं कि हमारी आगे का हमारा जो करियर है वो बहुत अच्छे से जाए। हम यही प्रार्थना करने आए हैं और हम चाह रहे हैं हमारा ये साल भी अच्छे से ही जाए।